हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कैसे आप लोग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पर, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं, वेक्टर में ही बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे कि कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ में जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का, उसका कैसे यूज करना है, क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें कैसे यूज करना है, उस पर हम बात कर रहे थे। आज भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में बात किए थे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो आप, दो क्वेश्चन पर बात कर लिया इसके पहले हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 10.5, स्टूडेंट कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री with the vertical, find the component, student क्या find करना है, find the component of the force, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो आप लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स में बार बार ये कंपोनेंट वाली बात आएगी स्टूडेंट, बार बार ये कंपोनेंट वाली बात आएगी। आज आपको ये बात क्लियर करनी, आगे फिर दोबारा से नहीं कंफ्यूज करना है। ओके तो स्टूडेंट देखो आप क्या कह रहे हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस। ओके कह रहे हैं कि जो फोर्स है 10 न्यूटन का वो ये रहा, कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो कितना है स्टूडेंट 10.5 न्यूटन, और ये फोर्स जो है वर्टिकल से, स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना है, वर्टिकल से ये 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, किससे फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल से ये 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट ध्यान दो, आप कह रहे कि x के along जो कंपोनेंट आएगा उसका नाम रख दिया fx, और y के along जो कंपोनेंट आएगा स्टूडेंट उसका नाम रख दिया fy। कह रहे y के along, एक वेक्टर के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक x के along, एक y के along। x के along जो है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और y के along जो है उसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। छोटी छोटी बात है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ओके ओके प्यारे बच्चों स्टूडेंट, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात रट के रखनी है। कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, f के दो कंपोनेंट हैं fx एंड fy, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट आप देखो, ये दोनों आने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बस वैसे रट लेने, आगे फिर कभी भी आएगा तो ऐसे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट देखो, आप कह रहे हैं कि इसके दो कंपोनेंट है, एक y के लॉन्ग और एक x के लॉन्ग। x के लॉन्ग जो है उसको fx नाम दे दिया, y के लॉन्ग जो है उसको fy नाम दे दिया। हमें ये दोनों कंपोनेंट फाइंड करने हैं, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पहले तो हमने f लिख लिया, बहुत आसान सी बात है, जो फोर्स, जो जिस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना उसका मैग्नीट्यूड पहले लिख लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। ओके अब ध्यान देना स्टूडेंट, जिसके साथ एंगल हो वो कॉस में, और जिसके साथ नहीं हो वो साइन में। आगे बात समझ, वो भूल जाओ आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल वगैरह सब कुछ भूल जाओ आप, सीधे सीधे कंपोनेंट की जब भी बात आए, जिसके साथ एंगल है वो कॉस में, जिसके साथ एंगल नहीं है वो साइन में, एंगल वही रहेगा दोनों में, 37 है 37 ही रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, ये बात समझ नहीं आपको, कह रहे हैं कि इसके दो कंपोनेंट हैं स्टूडेंट, कह रहे हैं इसके एफ के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं कि ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और स्टूडेंट ये क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है, एक वेक्टर के स्टूडेंट दो ही कंपोनेंट होते हैं, ये बात आप रट लो।
एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है, तो पहले हमने नोट कर लिया एफ एक्स और एफ वाई, और स्टूडेंट दोनों में एफ तो कॉमन है, दोनों में एफ आएगा, उसी का कंपोनेंट करना है, तो एफ पहले नोट कर लिया हमने, एफ नोट कर लिया। और साथ में स्टूडेंट अब बात ध्यान रखनी है कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल होगा वो कॉस में, जिसके साथ नहीं होगा वो साइन में, एंगल वही रखना है। इसके साथ एंगल था तो ठीक है ये कॉस में आएगा, अगर स्टूडेंट एंगल इसके साथ होता तो ये कॉस में आता, इतनी बात ही बस आपको रटनी है। ओके ओके क्लियर है अब आपको, तो इसी को अब हमें स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान काम है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने आपको साइन 37 और कॉस 37 इनकी वैल्यू बताई थी, और यहां पे f की वैल्यू आपको गिवन है, f की वैल्यू है 10.5, साइन 37 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको 3/5, और यहां पे 10.5 × 4/5। ओके स्टूडेंट साइन 37 था 3/5 और कॉस 37 है, कॉस 37 क्या है वो 4/5 है। लास्ट लेक्चर में, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट के रखना है, काम बहुत आसान हो जाएगा, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, सबका काम आसान करने वाला हूं मैं। ओके आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, जो भी आएगा वो आंसर। स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करना तो आप जानते हो ना, मल्टीप्लाई करने में नहीं आया मैं यहां, मल्टीप्लाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। ओके तो अगर हम इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ठीक है, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अब आपको बात समझ आ गई, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, दो ही कंपोनेंट होंगे, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग, और पहले क्या करते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, दोनों में ही लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिसके साथ एंगल हो वो कॉस में, जिसके साथ नहीं वो साइन में, और एंगल दोनों में एक ही रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, A vector has component along the x-axis equal to 25 units. Student, along the x-axis 25 units and along the y-axis equal to क्या है 60 units. Student, along the y-axis equal to 60 units. Find the magnitude. Student, क्या find करना है? Find the magnitude and direction of the vector. स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एससी वर्मा साहब की बुक से है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से है, वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं, जिससे आपको पूरी बात एक अच्छे से समझ आ जाए। ओके आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट तो देखो आप, बहुत आसान बात है स्टूडेंट, जब मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बताया था, उस टॉपिक को जाके आप उस वीडियो लेक्चर में देखोगे आप, तो मैंने बताया था एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको हम एफ एक्स बोलते हैं, उसका नाम क्या रख लिया, वेक्टर है तो आप कुछ भी रख लो स्टूडेंट, कुछ भी रख लो आप एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एक्स की वैल्यू कह रहे हैं 25 यूनिट है, वाई के लॉन्ग जो है वो एफ वाई वो कितना होगा स्टूडेंट 60 यूनिट है, ये गिवन है, एफ एक्स और एफ वाई गिवन है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में क्या था, वेक्टर दिया था, कंपोनेंट फाइंड करने हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कंपोनेंट दिए, वेक्टर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड एफ होगा, और वो कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर कंपोनेंट पता है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर कंपोनेंट वाले लेक्चर में आप जाके देखोगे तो वहां मैंने बिल्कुल बताया कि अगर कंपोनेंट गिवन हो तो वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर गिवन हो तो कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सारी बात बिल्कुल क्लियर बताई। लेकिन अगर नहीं भेजाना है आपको तो यहीं से सब जो आप करें, कंपोनेंट गिवन हो तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का स्ट्रेट ये फॉर्मूला है,
दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे प्लस एंड रूट। तो स्टूडेंट यहां से क्या करना है आपको, 25 का स्क्वायर एंड प्लस 60 का स्क्वायर। ओके बच्चों कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से कितना हो जाएगा 625 एंड कितना हो जाएगा 3600। ओके बच्चों यहां से जो भी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 25 एंड 2 एंड 41 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 4314। ओके मैग्नीट्यूड तो आ गया स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड कितना आ गया स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड आ चुका है, मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने फाइंड कर लिया। ओके प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अब कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला था, टेन अल्फा का फॉर्मूला था वर्टिकल कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वैसे भी आप जानते हो स्टूडेंट टेन थीटा का फॉर्मूला, टेंथ में आप पढ़ के, आप परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या होता है एक्स कंपोनेंट और परपेंडिकुलर क्या है वाई कंपोनेंट। तो ठीक है tan alpha equal to fy by fx नहीं लर्न है कोई बात नहीं, टेंथ की थ्योरी हमने यूज कर ली, tan theta equal to perpendicular by base। तो स्टूडेंट यहां स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें कितना आएगा 65 यूनिट आ गया, एंड यहां से कितना होगा स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि स्टूडेंट fy की वैल्यू है 60/25 तो ये कितना हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5। स्टूडेंट ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा 5 2 10 एंड 5 4 20। और स्टूडेंट यहां से अल्फा की वैल्यू भी आ गई, दैट इज टेन इनवर्स 2.5। ये लो आप डायरेक्शन भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट दोनों बात आ गई। कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमने देखा कि वेक्टर गिवन है तो कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपोनेंट गिवन है तो वो वेक्टर और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। दोनों कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन हमने देखा, एक लेफ्ट टू राइट एक राइट टू लेफ्ट, इससे आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 था ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर। ओके स्टूडेंट कह रहे हैं कि थ्री वेक्टर्स हैं, उनका आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये है स्टूडेंट एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस, ये है 0 0 ओरिजिन है ये हमारा। ओके ओके स्टूडेंट तो डायग्राम क्या है देखते हैं स्टूडेंट, डायग्राम क्या है देखो आप स्टूडेंट, देखो आप कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि मूव करता है कैसे, ओ से ए पहले, ये एंगल बता दिया कितना है 37 डिग्री ओ से ए, ओ से ए फर्स्ट वेक्टर ये है, एंड सेकंड देखो आप स्टूडेंट ए से बी एक्स एक्सिस के पैरेलल ए से बी। ओके स्टूडेंट ये 5 मीटर मूव किया और स्टूडेंट ये 3 मीटर मूव किया ए से बी, स्टूडेंट कहां पे मूव किया ए से बी, उसके बाद बी से सी परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट मूव कर रहा है बी से सी, तो स्टूडेंट यहां सी पॉइंट पे मूव कर गया और ये कितना है 2 मीटर। तो स्टूडेंट हमें इसी का क्या बताना है, क्या बताना है इसका, इन थ्री वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है हमें, इन थ्री वेक्टर्स का स्टूडेंट रिजल्टेंट बताना है हमें, इन थ्री वेक्टर्स का क्या बताना है रिजल्टेंट। स्टूडेंट आंसर क्या है इसका, आंसर भी नोट कर दो मैं आपको स्टूडेंट, कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड है 8.6 मीटर एंड जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है अल्फा की वैल्यू है 35 पॉइंट या फिर टेन इनवर्स 5/7। ओके बच्चों डायरेक्शन जो है वो टेन इनवर्स 5/7, ये हमें डायरेक्शन ये है, ये बात हमें फाइंड करनी। स्टूडेंट जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये आंसर है। ओके अब देखो आप स्टूडेंट मेरी बात ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या मीनिंग हुआ स्टूडेंट, रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर आर,
किसका रिजल्टेंट, इन थ्री वेक्टर्स का, थ्री वेक्टर्स के रिजल्टेंट की एक्चुअल मीनिंग क्या है, तीनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन, तीनों का वेक्टर एडिशन, दैट मींस स्टूडेंट वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी एंड प्लस वेक्टर ओ सी। ओके ओके स्टूडेंट, बात क्लियर है बिल्कुल आपको। देखो अब अभी मैंने आपको बताया कि थ्री वेक्टर के रिजल्टेंट की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, मीनिंग यही है तीनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन किया वो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो स्टूडेंट आप जरा हम फाइंड करते हैं पहले उस वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करते हैं ओ ए। स्टूडेंट ओ ए एक वेक्टर है जिसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड तो 5 स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड तो 5 ओ ए के लिए, मैग्नीट्यूड तो 5 और डायरेक्शन स्टूडेंट मैंने आपको 10 डायरेक्शंस टोटल बताई है और एक कॉमन फॉर्मूला बताया है, लिव इन फॉर्मूले बताया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट एंड डायगोनल पर भी, अपवर्ड डाउनवर्ड सारी डायरेक्शन बताई है और एक कॉमन फॉर्मूला बताया है। तो कॉमन फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब एंगल गिवन हो हमें, तो वही कॉमन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट, कॉस 37 इंटू आई कैप एंड प्लस साइन 37 इंटू जे कैप। स्टूडेंट ये कॉमन फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्शन का बताया, अगर आपने डायरेक्शन जो मैंने स्पेशल टॉपिक पढ़ाया है आप उसमें जाकर देखोगे, फर्स्ट फॉर्मूला यही नोट कराया मैंने, जब किसी एंगल पर डायरेक्शन लेना हो तो उस टाइम r इक्वल टू डायरेक्शन का मैंने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, स्ट्रेट उसी से डाइड कर देना है, कोई ज्यादा कहानी नहीं करनी आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट OB की वैल्यू स्टूडेंट लिखने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो 3 i कैप एंड BC की वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड 2 और डायरेक्शन क्या, j कैप। स्टूडेंट BC की वैल्यू लिखनी है तो कितना हो गया, यहां से स्टूडेंट BC की वैल्यू लिखनी है तो कितना हो गया, 2 मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन कितना है, 2 j कैप। स्टूडेंट ये OA है, ये OB है, ये OC है, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट R इक्वल टू 5 cos 37, स्टूडेंट cos 37 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 4/5 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3/5 जे कैप एंड 3 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप। स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा यहां से स्टूडेंट, आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपको, आर की वैल्यू स्टूडेंट आ चुकी है 4 + 3 = 7, 4 + 3 = 7 आई कैप एंड 3 + 2 = 5 जे कैप। स्टूडेंट इसी का तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मींस, और कंपोनेंट फॉर्म में हो तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आप जाके जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना शुरू किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है स्टूडेंट आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 का स्क्वायर 49, 25 और स्टूडेंट ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 9, 5, 14, 4, 2, 6 and 7 और ये आएगा स्टूडेंट 8.6 मीटर जो भी होगा। एंड डायरेक्शन फाइंड करने का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स y by x, y कंपोनेंट कितना है 5 एंड x कंपोनेंट कितना है 7, ये रहा आंसर। ओके स्टूडेंट ये रहा आंसर, बेसिकली फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, tan अल्फा इक्वल टू tan alpha इक्वल टू, स्टूडेंट आपको मैंने आज भी बताया कि tan alpha इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, tan inverse 5/7। ओके प्यारे बच्चों tan inverse 5/7। तो स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतने क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, फिजिक्स आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से आप पढ़ोगे तो इतनी बातें मैं बताऊंगा कि गारंटीड आपकी फिजिक्स तो अच्छी होके ही रहेगी। स्टूडेंट अभी तक 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और 5 क्वेश्चन में आपने बिल्कुल देख लिया होगा मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, पूरी फिजिक्स जितनी भी पढ़नी है आपको इसी अप्रोच से मैं पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरी तरह अप्रोच अप्लाई करनी है तो आपकी फिजिक्स बिल्कुल अच्छी होगी। मैं रटाने नहीं आया हूं, रटना तब है जब सीख लेंगे, रटना तो जरूरी है लेकिन सीखने के बाद। ओके थैंक यू।